लाल मसूर की दाल बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं ये दाल खाने के लिए। इसका सूप भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं लाल मसूर का दाल, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत इजी। नमस्कार, मेरी इस कुकिंग चैनल में आप लोग को सभी को स्वागत है। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बन रही है ये दाल। मैं मसूर का दाल ली हूँ। मैं मसूर को दाल को अच्छी तरह से पानी से धोकर मैं बैठाई हूँ कुक होने के लिए। अब इसमें से कुक होने के बाद देखिए इसमें से झाग ऊपर आ गया है। ये झाग को पूरा हटाना है, झाग हटाकर पूरा साफ़ा करना है, क्योंकि ये झाग एकदम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें यूरिक एसिड पड़ने का बहुत बढ़ जाता है। इसमें झाग हटाकर मैं इसमें नमक और हल्दी डालकर मैं इसमें कुक करने के लिए मैं बैठा दी हूँ। ये दाल बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। और देखिए 10 मिनट में ये दाल पूरा कुक हो गया है। पूरा गला नहीं है लेकिन पूरा कुक हो गया है। अब मैं एक कढ़ाई तेल गरम की हूँ। तेल गरम करके जीरा मिर्चा और तेज़पत्ता का छौंक लगाई हूँ और लहसुन ली हूँ। लहसुन को मैं कूच कर रखी थी और इसको मैं कच्चापन हटा दे रही हूँ। लाल हो जाने पर मैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज डाली हूँ। प्याज को भी मैं सुनहरा लाल होने तक मैं फ्राई करूँगी। प्याज सुनहरा लाल हो गया है। अब मैं थोड़ा टमाटर और हरी मिर्ची मैं इसमें डालकर इसको भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। टमाटर थोड़ा नरम हो जाने पर मैं इसमें अदरक डाल दी। अदरक डाल देने से ये दाल का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से मैं चला दे रही हूँ। अब पूरा मसाला ऐसा कोई मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं पूरा दाल को इसमें मैं डाल दी और डालकर मैं चला दी। पूरा अच्छी तरह से मैं दाल को चला दी। दाल चलाने के बाद मैं थोड़ा धनिया पत्ता इसमें डाल दे रही हूँ। धनिया पत्ता इसका स्वाद दुगना बढ़ा देता है। अब मैं दाल खोलने के लिए मैं छोड़ दी, बॉयल होने के लिए छोड़ दी। दाल बॉयल हो जाने पर मैं इसे नींबू का रस भी डाल दी। नींबू का रस इसमें इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और देखिए कितना सुंदर दाल बनकर तैयार हो गया है। अब मेरा दाल एकदम पूरा रेडी हो गया है बनकर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। आप लोग को मेरा वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। या वीडियो और अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।